हमीरपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में 8वीं दीक्षांत समारोह में BTech में डायरेक्टर मेडल मेडलिस्ट रहे ऋतिक सूद ने उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। डायरेक्टर मेडल मिलने पर ऋतिक सूद ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों और सहयोगियों को दिया। ऋतिक सूद 2018 BTech बैच के हैं और डायरेक्टर मेडल उन्हें बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मिला है। वहीं ऋतिक के पिता डॉक्टर संजय सूद और माता मीनाक्षी सूद ने भी अपने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताई है। ऋतिक सूद ने बताया कि ओवरऑल डायरेक्टर मेडल मिलने पर बहुत खुशी है और अपने ऊपर छात्रों को पूरा विश्वास रखना चाहिए ताकि लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि केवल गोल्ड मेडल मिलने की उम्मीद थी लेकिन सबसे बेस्ट अवार्ड मिलने पर गदगद हैं। मेरे को 2 महीने पहले बताया गया कि कॉन्वोकेशन हो रही है हमारे बैच की 2018 NIT हमीरपुर में। तो जब हम पास आउट हो रहे थे तो एक एप्लीकेशन मिली थी डायरेक्टर्स मेडल फॉर ऑलराउंडर के लिए, तो उसको फिर मैंने अप्लाई किया। फिर मुझे जब कॉन्वोकेशन की डेट पता चली उससे कुछ दिन पहले ही नोटिस निकला कि मैं सिलेक्ट किया गया हूँ इसके लिए। तो काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हम काफ़ी लोग रीयूनियन टाइप था हम लोगों के दोस्तों के, हम 6-7 महीने बाद कॉलेज से जाकर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों से मिला मैं, बस फिर डायरेक्टर्स मुझे ऑलराउंडर साल का मुझे चुना गया था तो काफ़ी खुश हूँ मुझे मिला। अभी क्या वो लेके चले? अभी मैं हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, इसी में मैं अपना मास्टर्स करना चाहूँगा बाहर से रिसर्च कर। आपको गोल्ड इज गोल्ड मेडल मिला तो किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप? मैं अपने टीचर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा, उनकी वजह से ही ग्रेजुएशन हुआ सर। जब आप स्टडी में तो लगता था आपको कि इतनी अचीवमेंट आपकी हो पाएगी? नहीं नहीं ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट ठीक है थर्ड टाइम ईयर तक मुझे लगता था कि मैंने पास काफ़ी कुछ काफ़ी अचीवमेंट्स है, काफ़ी जगह पे मैंने काम किया है तो मुझे लगता था कि शायद हो जाए। कंपटीशन टफ था बट लकीली मेरे को मिला। बाहर रिसर्च मैंने इंटर्नशिप 3rd ईयर में जर्मनी से की है, 2nd ईयर में इंडिया IIT दिल्ली से की है। तो जो IIT दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन दिस कंट्री, बहुत अच्छा मतलब जिस कॉलेज को माना जाता है। 3rd ईयर में मैंने जर्मनी में एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से की है। तो जो डिफरेंस मैं देखता हूँ रिसर्च का भी, वो मैं कहता हूँ हमारे देश में भी नहीं है, शायद कुछ कॉलेजेस में हैं पर मेरे फील्ड में वो इतना है नहीं। बाहर ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जॉब का मेरे को नहीं पता कि मैं बाहर करूँगा कि नहीं, पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे एज अ जनरल पर्सनैलिटी में जरूर कहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी, लेकिन स्टडी मतलब स्टडी लाइन में एनी मैसेज? बस छोटा सा मैसेज होगा कि काफ़ी लोग आप में बिलीव नहीं करते हैं और काफ़ी लोग आपको हमेशा पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, कि अगर आप एक चीज़ में व्यस्त हैं तो आप दूसरी चीज़ नहीं हासिल कर पाएंगे, कि आप सिर्फ स्टडीज़ है तो आपको करिकुलर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। आप अगर कोई आप पर बिलीव ना करे तो आपको खुद पर ज़रूर विश्वास रखना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आप कर लेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है। वहीं ऋतिक के पिता संजय सूद और माता मीनाक्षी सूद ने अपने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की और कहा कि बेटे ने नाम रोशन किया है और आगे भी अच्छा मुकाम हासिल करे। मैं कहूँगा एक शुरुआत अच्छी चीज़ है, काम मेहनत की थी उसने कुछ हद तक तो गोल्ड मेडल मिला, लेकिन ये एक शुरुआत ही है, इससे आगे बहुत आगे कुछ करना है उसको अभी बाकी, इतना मैं समझता हूँ। और अच्छी एक मेरे लिए अच्छी खुशी की अनुभूति हुई है इधर, और ये भी अब हमीरपुर में मिला है तो और खुशी की बात है क्योंकि मैं स्वयं यहाँ रह चुका हूँ। देखिए उम्मीद तो सभी की होती है, कंपटीशन बड़ा स्टिफ होता है, जो आप देखते हैं कि NIT की जो बच्चे आते हैं जहाँ से आते हैं बहुत अच्छे उनके एकेडमिक बैकग्राउंड होती है, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। अब ये कहना कि भाई सिर्फ इसी को ही गोल्ड मेडल मिल सकता था ये तो शायद नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है मुझे इस बात की खुशी है कि अंत में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया है। और ये कहना चाहूँगा कि अभी इसको ये ना लेके कि भाई ये कौन था, ये शुरुआत है एक तरह की, और आगे अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो बीटेक है, इससे आगे बहुत करना है, मेहनत आगे करनी पड़ेगी तभी ज़िंदगी में आगे निकल पाएंगे। इसके लिए बधाई मैं इसको भी देता हूँ और बाकी बच्चों को भी देता हूँ कि जिन्होंने आज जिन अच्छी नंबरों से डिग्री हासिल की है इधर NIT के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरे बेटे ने इतने अच्छा किया है डिग्री के लिए और हमारा नाम भी इसने रोशन किया। आज हम सब हमें यही बोल रहे हैं कि ये ऋत्विक के मम्मी पापा हैं, तो हमें और मैं चाहती हूँ कि आगे भी अपनी लाइफ में ये और भी मुकाम हासिल करे और ऐसे ही हमारा नाम ऊंचाइयों पे रखे। मैडम जो स्कूलिंग की बात करें या NIT की बात करें तो क्या आपको होप थी कि एंड में ऐसा कोई रिजल्ट आएगा?
नहीं, स्टूडेंट तो ये शुरू से अच्छा ही रहा था, बट हाँ डायरेक्टर मेडल मिलना तो बहुत गर्व की बात है, और क्योंकि वो ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट का होता है यूजी और पीजी दोनों के लिए, तो पढ़ाई में तो अच्छा था। तो गोल्ड मेडल तो मैं सेकेंड ईयर के बाद लग रहा था कि आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टर्स मेडल ऑब्वियसली इट वॉज़ अ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में 8वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस ने डीआरडीओ डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने 200 छात्रों को डिग्रियां बांटी। डायरेक्टर मेडल कुछ एक चुनिंदा छात्रों को ही दिया जाता है।